अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? अल्लाह के आप सब लोग खेल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खेल रहे थे। और मेरे अभी तक गला ठीक भी नहीं हुआ और सुबह का टाइम है अभी मेरे सॉरी मुझे इतनी देखो मुझे इतनी खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। हाँ, रात तक मैं सो नहीं पाती। तो मैंने आलू पराठा बनाए थे तो मैंने उसको खा लिया अभी अभी, क्योंकि एक्चुअली हम जा रहे हैं कहीं बाहर, हमें थोड़ा सा शॉपिंग करने, शॉपिंग इन द सेंस वो शॉपिंग नहीं, हम अजमान जा रहे हैं एक्चुअली बुखार खरीदने के लिए, अबाया लेने के लिए। तो हम बस अपना नाश्ता कर लेंगे और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, हम फ्रेंड के साथ जा रहे। तो मैंने सोचा कि पहले हम नाश्ता कर लें, और ऐसा भी कितने मज़े से उसको आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते, तो मैंने इसे दो ही बना लिए। और हम अभी निकल गए अजमान की तरफ। अजमान दुबई का यूएई का दूसरा स्टेट है, थोड़ा सा दूर है पर इतना भी दूर नहीं कि हम ना जा पाए, पर ट्रैफिक बहुत था उस टाइम तक। और मेरी बेटी भी और बच्चे भी साथ में थे ना, तो हम थक जाते थे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स लोग बच्चे जब साथ होते हैं पास में होता है फिर भी हम थक जाते, पर तभी राइसा ने भी खाना खा के आई थी और गाड़ी में बैठी ना, और इतना हिल जुल रही थी तो उसने वॉमिट भी कर दिया। तो चलो हम पहुंच गए भैया के शॉप पे, इतना मज़ेदार था, उतना मज़ेदार। पर मैंने अनफॉर्चुनेटली रईसा की वजह से मैंने आपको दिखा नहीं पा रही। हम घर पे वापस आ गए, मैंने नमाज वमाज भी पढ़ ली और अभी नेक्स्ट डे मैंने सब कुछ अपना नाश्ता वास्ता करके मैंने लंच बनाने के लिए रेडी हो गई। एक्चुअली आज मुझे बहुत सारे काम ठीक करने हैं, मेरी पैकिंग ठीक करनी है, घर थोड़ा सा साफ वाफ करके जाने, क्योंकि हम कल निकल रहे हैं, हम अभी 23 को निकल रहे हैं सुबह सुबह, मतलब फ्राइडे को सुबह हम निकल रहे हैं, आज 22 है। तो मुझे इसलिए मुझे बहुत सारे काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि घर पे कोई रहेगा तो हमें वो भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, रात के खाने भी थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया, दिन में भी थोड़ा सा मैंने खा लिया, क्योंकि मेरा हमें और मेरी देवर है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है हमारे दिन में, रात को 3 जन होते हैं तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ हो जाता है। तो मैंने फ़िश बना दी और मैंने अभी मुझे पैकिंग करने, तो मैंने अपनी बच्ची की और मेरा सब कुछ पैकिंग कर लिया। मैंने रईसा के ढेर सारे डायपर ले लिए ताकि उसको कम ना पड़े, और मैंने अपने लिए जोड़ी जो अच्छी खासी जोड़ी, अच्छे खासे मींस कॉटन के जो कपड़े वो भी ले लिए। और मैं अपने रईसा के शू को भी लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। और मेरे ये अबाया, मैंने एक्चुअली दो अबाया लिए थे, और ये वाला जो है वो मैं जाते वक्त पहन के जाऊंगी, मैंने सिर्फ दो ही लिए, एक उमरा करने के टाइम जो एक ब्लैक कलर के जो लिए थे वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और ये शू जो बहुत सॉफ्ट है और हम चलने के टाइम बहुत आसानी होगी, क्योंकि उधर हमें बहुत ज़्यादा आसान मतलब चलना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड का भी बैग रेडी हो गया, मेरा अपना वॉलेट भी रेडी हो गया, और एक छोटा सा जो रईसा के लिए सामान होता है उसका बैकपैक एक्चुअली ख़राब हो गया, तो हमने इसी में सब डाल दिया। और मेरे देवर का भी सब कुछ रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी असर का टाइम है, मुझे असर का नमाज पढ़ने हैं, और अभी मुझे मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना भी पड़ रहा है। और मेरे हस्बैंड के कपड़े को भी मैंने उनको फोल्ड करके रख दिया, तो वो आएंगे और पैक कर लेंगे। तो रात का समय था और हमारे घर पे एक ये आप लोग क्या बोलते हैं फ्राई, भेजा फ्राई बोलते हैं, वो भेजा एक था, क्योंकि हम जा रहे हैं तो ये अभी एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि इसको मैं बना लेती हूँ, तो मैंने इसको अच्छे से फटाफट से बना लिया, क्योंकि थोड़ा सा ही था तो इतना मुश्किल नहीं होगा। जितना बचेगा हम फ्रिज पे तो नहीं रख सकते, इसको दे के भी जा सकते, पर मैंने जितना हो सके मैंने थोड़ा सा कम करके मैंने खाना बनाने की सोची। यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्राइंड करके प्याज को पूरा ग्राइंड करके मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने हर चीज़ मसाले को हर एक चीज़ मसाला मैंने डाल दिया। थोड़ा सा उबालने के बाद जब जो उसका मसाला है उसका प्याज है सब कुछ अच्छे से होने के बाद मैंने इसको जो भेजा है वो भी मैंने पूरा हाथ से मैश कर लिया उसको अच्छे से। तो मेरी किचन की हालत भी बहुत ख़राब है अभी, तो अच्छे से मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने अभी सब
जो भेजा है और मसाला उसका अच्छे से सब कुछ मिक्स करके, ताकि वो दाने दाने में मसाला भी पक जाए, सब कुछ हो जाए। अभी मैंने अच्छे से उसको पका रही हूँ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो हो गया, सूखा सूखा हो रहा है। तो अभी रोटी के साथ और चावल के साथ कुछ भी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे तो हर चीज़ें चावल के साथ अच्छे लगते हैं, पर मेरे हस्बैंड को तो रोटी चाहिए। रात भी हो चुकी, मगरिब की टाइम भी हो चुका है, मैंने अभी नमाज़ भी पढ़ लिया और अभी मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मुझे रोटी बनाना था तो मैंने कुछ रोटी बना दी, हालांकि मैं रोटी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। इंशाल्लाह आप सब के लिए हम दुआ करेंगे।